आज इनके ऊपर सवाल उठाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रहेगा अगर इस कदर इलेक्शन कमीशन लापरवाही करने का काम करेगी, अपने इतने बड़े संगठन को जो जिस पर देश विश्वास करता है उसे तोड़ने का काम करेगी, एक पार्टी के पक्ष में काम करने का काम करेगी, तो ये कहीं ना कहीं उचित तक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हैं, लेकिन वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो सरकारी मंच से भी कभी लाल टोपी की बात करते हैं तो कभी अखिलेश यादव की बात कर बात। जो भी चुनाव हुए आपको तमाम देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं लापरवाही करती है, और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन खुद ही पीएमओ के ऑफिस जा रही है। तो आप बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदस्य हैं, पर नेता हैं, और वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उनसे जाके इलेक्शन कमीशन मिलने का काम करते तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश या देश में किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। आज विपक्ष को एक होने की जरूरत है। बताइए कि किसी पार्टी के नेता से अगर इलेक्शन कमीशन खुद मिलने जा रहा है जो स्वतंत्र है, तो बताइए कि देश की जो गरिमा है, देश की गरिमा खत्म होने का काम कर रही है, किस बेस पे जो देश की जनता या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या समाजवादी, बसपा, भाजपा, वो सॉरी कांग्रेस, तमाम जो भी ऐसे दल हों जो समझ जाए कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली और इलेक्शन की सरकार मिलीजुली साजिश है जो चुनाव इस तरीके से कराने। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में देखा जा रहा है कि चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो है अखिलेश यादव के करीबियों पे जो है छापेमारी की जा रही है, उसी को लेकर के जो है आज हम कुछ युवा साथी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल कैसे देखते हैं इस पूरे मसले पे और इनकी क्या राय है, क्या आने वाले चुनाव में जो है सरकार बड़ा हथकंडा अपना सकती है, इससे कोई बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्या वाकई में कलई खुल जाएगी अखिलेश यादव की, या फिर सरकार कुछ नया पैंतरा अपनाने वाली है। आप लोगों का स्वागत है डीएसओ न्यूज़ में। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आईटी की जो छापेमारी चल रही है, अखिलेश यादव करीबियों में बताया जा रहा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और उन पर छापेमारी चल रही है चुनाव से पहले, क्या दर्शा रहा है? देखिए साहब, ये जो छापेमारी जो हो रही है इससे साफ, जो अखिलेश यादव की रैलियों में इतने बड़े हजूम में जो कार्यकर्ता और जो आम जनता जो सपोर्ट करने का काम कर रही है, इसे देख के भाजपा एकदम हताशा हो गई है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम जहां जहां चुनाव होते हैं, जब से भाजपा सरकार आई है भाजपा ने सरकार को तंत्र को अपने यंत्र के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के तंत्र को तमाम अपने कब्जे में ले लिया है, इन्होंने अपना तोते की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। आप ये देखिए, जब किसान आंदोलन था तो किसानों के घर पर छापे मारी गई, विपक्ष में कोई भी चुनाव होता है जहाँ इनकी सरकार जा रही होती है, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, जहाँ इनकी सरकार जा रही होती है, वहाँ इनका ईडी और ये जितने भी छापे मारने वाली तंत्र है, ये सब काम करने वाला, सीबीआई और तमाम संगठन इनके काम करने वाले, वो छापे मारने का काम करने लगते हैं जी। कह रहे हैं रेड टोपी पर रेड पड़ रही है, तो तकलीफ क्यों? रेड टोपी पर रेड नहीं पड़ रही, रेड टोपी साहब, लाल रंग जो है क्रांति का रंग है, और ये जो रंग है जयप्रकाश नारायण ने रंग दिया था, और जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे जिसने पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का नारा देके गुजरात से लेके बिहार तक से इंदिरा गांधी की सरकार हिलाने का काम किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी वो इतने डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से चला जाएगा तो पूरे भारत से उनकी सरकार चली जाएगी, उनकी दिल्ली की कुर्सी खाली हो जाएगी, इसलिए महीने में लगभग 6 से ज़्यादा सभा वो जाकर उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। साहब, जनता को पता है चुनाव आ रहे हैं, तमाम ये रेड जो मारने का काम हो रहा है। भाजपा इतनी गिरी हुई पार्टी है जो ये धर्म के ढोंग से लेके दमन की नीति तक ये काम करने का काम करेगी चुनाव जीतने के लिए, तो सरकार को कोई रेड नहीं पड़ता। जिस प्रवक्ता के ऊपर, जो समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय सचिव राजीव राय है, वो एकदम साफ सुथरे छवि का व्यक्ति है, वो जनता का जनप्रतिनिधि है, जनता को पता है ये रेड मार मार के और अपनी मिट्टी पलित करने का काम कर रहे हैं। सरकार के लोग जिस तरीके से अपने सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता का जो भावना है अपने नेता के प्रति और विश्वास बढ़ता जा रहा है, जितना ये अपने सरकारी हथकंडे इस्तेमाल करके आम जनता को और नेताओं को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, जो साफ सुथरे छवि के लोग हैं, आम जनता उतना ही समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का काम करेगी, इसलिए ये रेड अच्छा है। आपको क्या लगता है चुनाव से पहले ये सब क्यों किया जा रहा है? ये चुनाव से पहले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने क्या कहा, ये धर्म के ढोंग से दमन की नीति तक काम करने का काम करेगी। इन्हें लगता है कि रेड से सपा वाले डर जाएंगे, लेकिन जो चोर होता है वो डरता है। यहाँ कोई संजीव भट्ट, गुजरात में जो दंगा हुआ था आपको पता है, आज भी वो आईपीएस संजीव भट्ट है, वो आज भी जेल में बंद है। इन्होंने ऐसे लोगों को दबाने का काम किया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप बिल्कुल छापे मारिए, आप समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं पर छापे मारिए। मैं बताना चाहूँगा कि आज सिर्फ बड़े नेताओं के यहाँ छापे मारे गए हैं जो अखिलेश जी के करीबी हैं, ये कुछ दिनों में हर प्रत्याशी पर छापे मारने का काम करेंगे। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव ना लड़े, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएं, लेकिन ये नहीं पता ये लाल रंग वाले हैं, ये लाल रंग दिखा के इन्हें भगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से खेत में आप जाओगे तो लाल रंग से कौन भागता है? आप अगर सड़क पर लाल शर्ट पहन के घूमोगे तो जो सांड होगा, पागल सांड, वो देख के भागने लग जाएगा, वो पीछे पड़ने लग जाएगा। ये भाजपा का हाल बिल्कुल उसी तरीके से हो गया है। अरे प्रधानमंत्री जी अब लाल रंग के बारे में कहने का काम कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी डरने का काम कर रहे हैं तो आप यह समझिए कि समाजवादी पार्टी का डर किस कदर इनके मन में बैठ चुका है।
अच्छा आईटी और ईडी सीबीआई की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं छापे मारती हैं, तो ये देखने को मिलता है कि चुनाव से ठीक पहले चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे तमाम जितने भी राज्य हैं, जब भी चुनाव होना होता है जहां भी उनको दिक्कत लगती है छापेमारी करती है। तो अगर छापेमारी कर रही है, उनको कहीं दिक्कत मिल रहा है, तो क्या आप इसमें किसको? देखिए सब, अभी मैंने शुरू में ही एक बात बताई थी कि भाजपा ने सरकारी तंत्र को अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जिस तरीके से आप जाएंगे तो कहते ना कि ये जंतर लो जंतर पहन लो आपका काम आएगा। भाजपा ने तमाम सरकारी संगठनों को करने का काम किया। जिस तरीके से आप सीबीआई ईडी नहीं इलेक्शन कमीशन तक तमाम अभी तक 2014 के बाद जो भी चुनाव हुए आपको तमाम देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं लापरवाही करती है। और देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन खुद ही पीएमओ के ऑफिस जा रही है। तो आप बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदस्य हैं, पर नेता हैं, और वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो जाके अगर उनसे जाके इलेक्शन कमीशन मिलने का काम करते, तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश या देश में किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। आज विपक्ष को एक होने की ज़रूरत है, आज इनके ऊपर सवाल उठाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रहेगा अगर इस कदर इलेक्शन कमीशन लापरवाही करने का काम करेगी, अपने इतने बड़े संगठन को जो जिस पर देश विश्वास करता है उसे तोड़ने का काम करेगी, एक पार्टी के पक्ष में काम करने का काम करेगी, तो ये कहीं ना कहीं उचित तक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हैं, लेकिन वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो सरकारी मंच से भी कभी लाल टोपी की बात करते हैं तो कभी अखिलेश यादव की बात करते हैं, इसलिए वो सरकारी तंत्र का बिल्कुल दुरुपयोग करके वो दूसरी पार्टी को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, उसके नेता को दबाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में होता दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको देश में हो रहे विकास से दिक्कत है। साहब, इन्होंने विकास विनाश करने का काम किया है विकास के नाम पे। मैं मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बताना चाहूँगा, देश आज दो गुट में बढ़ चुका है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उसे ये लोग तालिबान कह देंगे, ये लोग देशद्रोही कह देंगे, उसे खालिस्तान कह देंगे, उसे आतंकवादी कह देंगे। बताइए, एक प्रधानमंत्री के मन में मुँह से ऐसा बयान शोभा देता है कि लाल टोपी वालों की सरकार बनेगी या तो समाजवादी लोगों की सरकार बनेगी तो ये आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करेंगे, आतंकवादियों को देश से निकालने का काम करेंगे? अरे आज मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री साहब कि जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो क्या देश के हित में बात नहीं करता? आप ये बताइए कि अगर आप इतिहास उठाने की बात करेंगे तो आरएसएस से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान देने का काम किया, लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए कि समाजवादी पार्टी जितनी थी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे समाजवादी सोच के लोग थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में आके धर्म के नाम पर जाति के नाम पर तोड़ के शासन करने का काम किया है, ये लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, चुनाव में ये धार्मिक भावनाओं को उठाने का काम करती है, देश की जनता इसे समझ चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी वो फोटो जीवी हैं, उन्हें ऐसे बयान शोभा नहीं देता। अरे हमें पता है आपको बोलने का शौक है, आपको भाषण देने का शौक है, हमें पता है आपको फोटो खिंचवाने का शौक है, आप आरती देते हैं तब आप फोटो खिंचवाते हैं, कैमरे में देखते हैं। आप ये बताइए कि गंगा में चश्मा पहन के कौन डुबकी लगाता है? भाई, इन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति को ऐसा बर्बाद करने का काम किया है देश को। और इसी तरह के इनके योगी बाबा हैं, सारे पेपर लीक हो गए, आप देखिए तमाम, अभी यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, कल ही सी टेट का पेपर लीक हुआ है, परसों इन्होंने तमाम पेपर लीक कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश की युवा इससे नाराज है, उत्तर प्रदेश की बहनें इनसे नाराज। साहब, गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा को, गौ और गंगा को इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया चुनाव में। और गंगा एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, जनता को पता है क्या किसने बनाया? गंगा एक्सप्रेस वे जैसे, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस था उसका नहीं अखिलेश यादव ने रखा था, जो गंगा एक्सप्रेस वे था उसका नहीं मायावती ने रखा था। ये लोग सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं साहब, इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। एक काम अपने आप एंकर हैं, आप तमाम 5 सालों में घूमने का काम क्यों, आप एक काम ऐसा बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू करके खत्म करवाने का काम किया हो 5 सालों में, आप एक काम बता दीजिए। गुंडागर्दी तो बढ़ाने का काम किया है साहब ये इन लोगों ने। अभी आप देखिए कि इनके ब्रजभूषण जी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वो चांटा मारने का काम करते हैं साहब, अगर कोई कुश्ती ओवरवेट में लड़ने जाता है। अब जज हैं, आप खुद ही फैसला सुना देंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पे आप कह रहे हैं कि पीएमओ से मिलने जा रहे हैं जी, उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या लगता है कि निष्पक्ष इस तरीके से हो पाएगा चुनाव? मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। आप बताइए कि किसी पार्टी के नेता से अगर इलेक्शन कमीशन खुद मिलने जा रहा है जो स्वतंत्र है, तो बताइए कि देश की जो गरिमा है, देश की गरिमा खत्म होने का काम कर रही है। किस बेस पे जो देश की जनता या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या समाजवादी, बसपा, भाजपा, वो सॉरी कांग्रेस, तमाम जो भी ऐसे दल हों जो समझ जाए कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली और इलेक्शन की सरकार मिलीजुली साजिश है जो चुनाव इस तरीके से कराने का काम करे। देश के लिए बहुत बड़ा दुखद है और शर्म की बात है जो इलेक्शन कमीशन आज पीएमओ पे मिलने जा रहा है, देश की जनता को और देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष की पार्टियों को इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रहेगा। अगर इस कदर इलेक्शन कमीशन काम करने का काम करेगी, संविधान खतरे में आ जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश खतरे में आ जाएगा।
तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या साइकिल दौड़ पाएगी इस बार उत्तर प्रदेश? साइकिल तो साहब 100 से स्पीड से ज़्यादा दौड़ रही है पूरा उत्तर प्रदेश। देखिए पूर्वांचल देखिए, पश्चिम की बात करें, अभी मेरठ में संयुक्त रैली हुई थी, परिवर्तन संयुक्त रैली, जिसमें जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आए थे, पूरा लाली लाल दिख रहा था पूर्वांचल में। देख सुनिए पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोटल समाजवादी लोग थे, उन्हें पता है समाजवादी ने काम करने का काम किया है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, कोई और करे जाए नहीं, हमने शिलान्यास किया था। आप पूरे उत्तर प्रदेश में साहब, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, हर जगह लाली लाल दिख रहा है, और आप कह रहे हैं उद्घाटन कोई और करे जाएं आप लोग, तो साहब अगर उद्घाटन और काम का बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए सड़कें नहीं बचेंगी और हाईवे नहीं बचेंगे, जितना काम अखिलेश यादव ने कर दिया, उन्हें चलने की जगह नहीं बनेगी बचेगी, क्योंकि सारा विकास का काम, चाहे सड़क हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, तमाम समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया पिछली सरकारों में। आपके पास रिकॉर्ड है, आप उठा के देखिए। कुछ लोगों तो ये कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सत्ता रही तब जो है वो तो कब्रिस्तानों की जो है बाउंड्री बनाने में पैसे लगाते थे और तमाम तरीके का अपने खजाने भरने में लगे रहते थे, लेकिन अब जब योगी जी की सत्ता आ गई है और अब फिर से चुनाव होने वाले, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार फिर से मौका दे दीजिए, हम जो स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इसको लेकर के क्या कहना साहब? ये वो लोग हैं जो लाशों पर राजनीति करने का काम करते हैं, गॉडसेवादी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने सिर्फ चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान करने का काम किया है, इन्हें सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान दिखेगा, क्योंकि ये सरकार बनाने के बाद जनता को वहीं भेजने का काम करेंगे। आपके सामने उदाहरण है, आज देश में सबसे ज्यादा भुखमरी है, आज प्रदेश में सबसे ज्यादा बेटियों के साथ अश्मिता का खिलवाड़ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है, किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का काम कर रहा है, देश बेरोजगारी पे है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी में है। और पिछली सरकार में आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेदांता अस्पताल से लेकर तमाम बड़े बड़े अस्पताल, चाहे गाजियाबाद हो, सड़कें हो गाजियाबाद की, चाहे लखनऊ में अस्पताल हो, कानपुर में अस्पताल हो, यहाँ तक नोएडा का अस्पताल, वो पिछली सरकार ने बनाने का काम किया, बड़े बड़े स्कूल अखिलेश यादव की सरकार ने बनाने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और छोटे नेता कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि मुझसे बहस करके बता दें कि 5 साल में ऐसे कौन से योगी ने स्कूल की, अस्पताल या हॉस्पिटल, बड़े अस्पताल की नींव रखी थी जो शुरू करके इन्होंने ख़त्म करने का काम किया हो। इनके पास एक भी नहीं है, इनके पास सिर्फ गौ और गंगा है और कब्रिस्तान और शमशान घाट है, और इनके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लेकिन देश की जनता को आज इन्होंने भुखमरी के उस कगार पे पहुंचा दिया है कि जनता इन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी, जिसके बाद दिल्ली से भी साहब चले जाएंगे। चलो